Computer, Day 10. This is the book cover, Introduction to Computers, Book 5. Chapter number 3, Storage, page number 14. In a last lecture, we have seen about primary and storage devices. We learned about RAM and ROM. Now, we'll continue from the differentiate between RAM and ROM. This is not in your textbook, children. Just for your extra knowledge, RAM is a temporary storage while ROM is a permanent storage. RAM stored data in MBs. MB is megabytes. And ROM stored data in GBs, that is gigabytes. RAM is volatile, ROM is non-volatile. RAM used in a normal operations and ROM used in the startup process of computer. ये normal operations होते हैं काम करने के लिए, जैसे हम calculations करते हैं, और ये ROM कहाँ पे use होता है? प्रोसेस का स्टार्ट करने के लिए. कंप्यूटर जब भी बूट होता है तो रोम में से डेटा इंफॉर्मेशन जमा करके हमको देता है. राइटिंग डेटा इज़ फास्टर, राइटिंग डेटा इज़ स्लोअर. और रैम का फास्ट होता है, रोम का स्लो होता है. सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हमको क्या बोलते हैं? इसको एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बाहर की मेमोरी, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं है. डेटा स्टोर्ड इन रैम इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस एंड द डेटा विल रिमेन स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाई टू कंप्यूटर. और जो भी रैम में है वो तो टेम्पररी है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक पावर है, तब तक इलेक्ट्रिक पल्स है. इलेक्ट्रिक पावर चला गया तो इलेक्ट्रिक पल्स का भी कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा. यू मे लॉस ऑल डेटा इफ़ देर इज एन इंटरप्शन इन पावर सप्लाई और इफ़ यू एक्सीडेंटली स्विच ऑफ द कंप्यूटर. या तो लाइट चली गई या फिर गलती से कंप्यूटर का बटन ऑफ हो गया तो सारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट. Some data or information is very important, so it needs to be stored on permanent basis. और कुछ information तो ऐसी होती है कि वो delete हो गई तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमको very rare मिलती है, वो बार बार हम कहीं से ला नहीं सकते. For example, मैंने एक calculation किया है, वो calculation stored कर दिया और इसके बाद paper फाड़ के फेंक दिया dustbin में. अभी paper तो चला गया है trash में, बट ये इन्फॉर्मेशन को मुझे कैसे भी स्टोर रखना है, ना कि वेट करना है कि लाइट चली जाए और मेरा इन्फॉर्मेशन उड़ जाए. तो मुझे इसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो मैं कहाँ स्टोर करूँगी और कैसे इसको परमानेंटली स्टोर करूँगी? द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज हार्ड डिस्क, सी डी, डी वी डी, यू एस बी, फ्लैश ड्राइव. तो ये चार टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज है. या तो मैं हार्ड डिस्क में स्टोर कर दूँगी, मेरी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव रहेगी कंप्यूटर की उसमें डाल दूँगी, सी डी में डाल दूँगी, या तो डी वी डी में, और यू एस बी मतलब पेन ड्राइव में मैं डाल दूँगी. तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो मुझे परमानेंटली मिल जाएगी. लेट्स सी द हार्ड डिस्क. ये हार्ड डिस्क का पिक्चर है, ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर रहता है. द हार्ड डिस्क इज स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क एनक्लोज्ड इन सील्ड बॉक्स कॉल्ड हार्ड ड्राइव. ये है मैग्नेटिक डिस्क है, और ये एक हार्ड ड्राइव जैसे बॉक्स रहती है, रेक्टेंगुलर बॉक्स रहती है मेटल की, और उसके अंदर माउंटेड रहती है. द हार्ड डिस्क ड्राइव इज हाउस इनसाइड द सी पी यू बॉक्स. और इसको कहाँ डाला जाता है? सी पी यू बॉक्स के अंदर रखा जाता है. द कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन हार्ड डिस्क. या तो रीड कर सकता है और या फिर राइट करता है हार्ड डिस्क में, दोनों काम कर सकता है. तो ये इसका पिक्चर है. बेस को कास्टिंग, स्पाइंडल, स्लाइडर, एक्चुएटर आर्म, एक्चुएटर एक्सिस, एक्चुएटर, ठीक है, एस सी एस
SCSI interface connector, jumper pins, jumper, power connector, tape seal, ribbon or cables, platters, case mounting holes. Now the each and everything functions differently. This all will come in the hardware section. The hard disk stores all the information on its magnetic area. जो भी information है वो magnetic area पे जाकर stored हो जाती है. And so information stored in the hard disk will not be erased even if there is an interruption in power supply or if the computer is switched off. तो ये magnetic पे जाके इसकी information एक बार स्टोर्ड हो गई तो लाइट भी चली जाती है या कंप्यूटर ऑफ होता है तो भी इंफॉर्मेशन जाती नहीं है. इसलिए हम बार बार सेव करते हैं. जब सेव करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो हार्ड डिस्क पे चला जाता है. हम लोग ने स्टार्टिंग में हमारा हर फाइल का एक लोकेशन रहता है, वहाँ पे स्टोर्ड हो जाता है. तो मोस्टली सी ड्राइव और डी ड्राइव पे वो लोकेशन रहती है और इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो जाती है. और वो वंस इफ द फाइल एंड डेटा इज स्टोर्ड यू कैन रिकलेक्ट इट. हैंस द हार्ड डिस्क इज़ द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. इसलिए हार्ड डिस्क को हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. सेकेंड वन इज सी डी. सी डी इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क. द सी डी इज स्मॉल डिस्क विच इज इंसर्टेड इन टू द ऑप्टिकल डिवाइस. हमारे ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको हम रिमूवेबल कर सकते हैं, ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं. द ऑप्टिकल डिवाइस इज फिक्स्ड इन द सीपीयू बॉक्स. द कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट सीडी यूजिंग अ ऑप्टिकल डिवाइस. अभी ऑप्टिकल डिवाइस कंपलसरी नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन एड द ऑप्टिकल डिवाइस इन टू योर कंप्यूटर सिस्टम. जैसे मेरे पास सीडी ड्राइव नहीं है तो भी मेरा कंप्यूटर चलेगा, सिस्टम वर्क करेगा. लेकिन ये ऑप्टिकल डिवाइस कहाँ पे एक बार खरीद के लाएंगे तो ये ऑप्टिकल डिवाइस को सीपीयू में माउंट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है और वहाँ पे हमको सीडी इंसर्ट करनी पड़ती है. द सीडी इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सीडी कैन नेवर बी इरेस्ड. और ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और कुछ भी लिखा है इसके ऊपर तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं. जबकि कुछ सीडीज रहती है रिमूवेबल और राइटेबल, सॉरी दैट इज़ रीडेबल एंड राइटेबल, तो इस पर हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. नहीं तो मोस्टली सीडीज क्या रहती है, एक बार जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया उसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते हैं. द सीडी इज़ रिमूवेबल बट इट कैन नॉट स्टोर मोर डेटा दैन द हार्ड डिस्क. अ सीडी इज़ स्लोअर दैन द हार्ड डिस्क. अभी सीडी रिमूवेबल तो है, हार्ड डिस्क कैसी है? परमानेंट है, उसको बार बार निकाल नहीं सकते. जबकि सीडी को हम निकाल सकते हैं. बट हार्ड डिस्क में हम बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वेयर एज इन सी डी हम इंफॉर्मेशन बहुत कम स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू हार्ड डिस्क. एंड हार्ड डिस्क वर्क्स मच फास्टर देन सी डी एंड सी डी इज बिट स्लोअर देन हार्ड डिस्क. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? अभी सी डी का एडवांस वर्जन है डीवीडी. नाउअडेज डीवीडी इज मोर पॉपुलर देन सी डी. DVD looks like CD and like CD, a DVD is also inserted in the optical device which is fixed in CPU. A DVD can store more data than CD. So DVD same CD ऐसा ही करता है लेकिन DVD में ज़्यादा information store कर सकते हैं. Same way में जैसे हम CD insert करते हैं optical device में, वैसे ही same CD drive में ये सी डी एंड डी वी डी दोनों को इंसर्ट करना पड़ता है और हमारे कंप्यूटर के में से एक्सप्लोर करना पड़ता है. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सी डी एंड डी वी डी. सी डी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डी वी डी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. Okay, now what is the purpose of CD? CDs are made with the purpose of holding audio files as well as program files. CD का काम है गाना का फाइल्स जमा रखना है या फिर प्रोग्राम फाइल्स.
डीवीडी क्या करता है, डीवीडी मेड विद द पर्पस ऑफ होल्डिंग वीडियो फाइल्स मूवी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोग्राम एक्सेट्रा, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क से कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम डीवीडी पे स्टोर कर सकते हैं। मीडिया टाइप ऑप्टिकल डिस्क, ये भी ऑप्टिकल डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क से हम प्ले करते हैं, इसको भी ऑप्टिकल ड्राइव पे प्ले कर सकते हैं। एनकोडिंग वेरियस कैपेसिटी, टिपिकली अप टू 700 मेगाबाइट्स अप टू 8 मिनट्स ऑडियो, एंड डीवीडी में 4.7 GB होते हैं, 17.8 to 17.8 GB, मतलब 4-6 घंटे की आराम से आप उसमें मूवी देख सकते हो। ओके, सो दिस आर द मेजर डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीज एंड डीवीडीज। नेक्स्ट इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव, दैट इज पेन ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस विच यू कैन इजीली कैरी इन योर पॉकेट। सीडी पॉकेट में लेके जाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन यूएसबी आराम से पॉकेट में हम कीचेन बनाकर भी लेकर घूम सकते हैं। Which you can easily carry in your pocket and it is smaller, faster and can store more data. छोटा है, तेज है, फास्ट है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। It can be plugged into any computer with USB drive. और USB drive जहाँ पे रहती है इस कंप्यूटर के साइड में, वहाँ पे हम इसको प्लग कर सकते हैं और इजीली रिमूवेबल है और इजीली यूजेबल है और इसके कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। 2 GB से शुरुआत होती है, 64 और 120 GB तक भी अभी बहुत ज़्यादा GB वाली भी पेन ड्राइव मिलना शुरू हो गया है। हियर्स द सेशन ओवर, द लेसन इज़ ओवर, थैंक यू चिल्ड्रेन।